हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुसुम पहाड़ी में। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं देहरादून से, और अभी हम हैं होटल रूम में। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं। तो ये है यहाँ पे कुछ होटल इस टाइप का। अभी हम निकल रहे हैं मसूरी की तरफ और यहाँ पे हम तैयार हो गए, सब तैयार हो गए। हेलो, ये इनका तो जब भी देखो तब भी मूड खराब ही रहता है। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं हम अभी मसूरी के लिए। तो चलो मिलते हैं आगे सफ़र में। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से और जा रहे हैं हम अभी मसूरी की तरफ। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आज कुछ कार्यक्रम भी है सर, इस तरह है। आजकल यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। थोड़ी देर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे और अभी हम वहाँ से निकल गए हैं। तो अभी हम हैं माल रोड पे, तो हम जा रहे हैं रिक्शा से। ये है मसूरी का माल रोड। काफी भीड़ है आज, आज यहाँ पे काफी भीड़ हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को भी होंगे। और आज के लिए यहाँ का मौसम भी काफी अच्छा हो रहा था, इसलिए काफी लोग आ रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। चलो दिखाते हैं आगे आगे कहाँ तक जाते हैं। गाड़ी है ना,
थोड़ा आगे जाके यहाँ पे उतर गए हैं और यहाँ पे लगा रखे हैं ये कुछ प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रदर्शनी है ये, जिनमें उन्होंने अंदर स्टॉल वगैरह भी लगा रखे हैं शायद कुछ। तो मसूरी में आज इतनी भीड़ है कि हमने पता नहीं कितनी जगह ढूंढ लिया पर रूम नहीं मिला, तो अभी जाके बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रूम मिला है। तो ये यहाँ पे लिया है हमने रूम और यहाँ पे रूम काफी महंगे वाले भी हैं। ये होटल है, यहाँ पे थोड़ा सा आउटसाइड है मार्केट से, लेकिन ठीक है रूम तो मिल गया कम से कम। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं और अभी हमने खाना भी नहीं खाया, काफी ढूंढते ढूंढते रूम को पूरे 3:30 हो गए टाइम। पहले हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं आगे का। गनील जो मसूरी का रूप हुए है, जहाँ से ऊपर ढोक पे चढ़ते हैं उसी जगह एक चीज ये बनाया गया है जो पुरानी संस्कृति को दर्शाने के लिए, कि पुरानी संस्कृति में लोग क्या क्या देखना चाह रहे थे, कि जो गंजाली है उर्ख्याली है गंजाली उर्ख्याली वगैरह कैसे बैठते हैं और कैसे मतलब पुराने जो घर होते थे कैसे कैसे होते थे। जैसे दिख रहा है आपको कि एक हम वगैरह है वहाँ पे, ये टब रखा हुआ है जहाँ पे, और उधर दरवाजे किस प्रकार से होते, खिड़कियां किस प्रकार से होते, पूर्वज लोग कैसे कैसे बैठते थे और दूरियां कैसे रहती थी, पहनावा कैसे रहता था। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं जैसे लकड़ी जो पुरानी महिलाएं लकड़ियां लाती थी, कैसे सर में लकड़ियां पेट में देखो इस प्रकार से ये लेके आते थे, वो इसी चीज के लिए दर्शाया गया है। आप देखो यहाँ पे ऊपर ये चलती है, ये रोप वे देखो, ये आराम से जाता है ऊपर, ये रात 10 बजे तक सर्विस है यहाँ पे इसकी। और यहाँ पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, आज सुबह से चल रहे हैं लगभग, तो चलो आगे दिखा दें आपको। यहाँ पे हमारी चाय पी रहे हैं और ये चाय है कुल्हड़ वाली, तो ये कुछ स्टॉल बंद है। यहाँ पे इसको पहले पकाया जा रहा है, फिर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रखे हैं और यहाँ पे एक 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका आज आखिरी दिन है और ये आखिरी प्रस्तुति है जो है भीड़ भाड़ माधव जो उत्तराखंड के भाग हुए हैं उनके एक कार्यक्रम है। अभी यहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ है, एकदम फुल और कहीं कुछ जगह ये काफी बड़ा हॉल है, फिर भी यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है। चमचमाते झुमके झुमके गाने ले मेरा नाम बना है, हिमाचल और उत्तराखंड में बिक्की का ही जल पछाया, सारी कैसे फिट तो फिट 100 से ज्यादा गाना है।
अरे आज छोरी छोक कर रहे नाटीदार रैप गाओ एरो बोलो हमें नाचू दिखती रहते गाना ला और भाई दोस्तों अभी आ गए हैं हम रूम पे और आज तो दिन भर सारे कार्यक्रम ही देखे और पूरा मसूर भी घूम लिया तो अभी काफी थक भी लग गई है और ठंडा भी काफी हो रहा है बाहर। तो अभी हम रूम पे आ गए हैं और अब सीधा सो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं कुसुम मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।